क्वेश्चंस है हमारे पास। तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? हम लोग जो हैं, हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं और तारे यहाँ पे बने हुए हैं। ये तारे हैं, ये टिमटिमाते हुए बराबर प्रतीत होते हैं। क्यों? सवाल है क्यों? पृथ्वी और तारों के बीच में एक ही चीज है, वायुमंडल। क्या चीज है? वायुमंडल। वायुमंडल है। तारों से जो प्रकाश निकलता है, उससे जो किरणें निकलती है, वो वायुमंडल से होकर के आती है। वायुमंडल से होकर के वो पृथ्वी पर क्या होती है? आती है। देख सकते हैं आप, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी से तारों की दूरी बहुत अधिक है और ये इनसे जब प्रकाश जब आता है तो वायुमंडल से होकर के आता है। और हम जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर में दो प्रकार की हवाएं होती है। एक हवाएं ठंडी होती है और दूसरी हवाएं गर्म होती है। गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं जब आपस में मिलती हैं तो उसमें हलचल पैदा होता है। क्या पैदा होता है? हलचल पैदा होता है, जिससे हवाएं क्या होती है? बहती हुई प्रतीत होती है। और जब तारों से प्रकाश जब नी पृथ्वी पे आता है, जब बहते हुए हवाओं से जब गुजरता है, तो उसके भी पथ में परिवर्तन होता है। और यही कारण है कि प्रकाश के अपवर्तन किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए क्या होते हैं? नजर आते हैं। आप लोग अपना आंसर इससे बना सकते हैं। क्वेश्चंस का आंसर है ये लिखा हुआ है, हम लोग पृथ्वी पर क्या करते हैं? रहते हैं। तारों की दूरी बहुत अधिक है, जिसके कारण उनसे निकला हुआ प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन, ठंडी हवाओं और गर्म हवाओं के बीच के कारण हमारी आंखों तक पहुंचता है। और जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, उसी के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चित्र में भी हम आपको बता दिए हैं, चित्र को देख करके आप बेहतर ढंग से भी अपने आंसर की तैयारी कर सकते हैं।